बेटा क्या खिलाया था किन्ने? रखा हुआ है अंदर, अंदर की अंदर भी है। मेरठ जिले के एक प्राइमरी स्कूल में छात्रों को नॉनवेज खिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्कूल से लेकर थाने तक हंगामा शुरू हो गया है। परिवार के लोग बच्चों को लेकर थाने पहुंचे, जहां एक बच्चे ने इनकार कर दिया, जबकि दूसरे दिव्यांग बच्चे ने जबरन मांस खिलाने की बात स्वीकार कर लिया, जिसके बाद परिजनों और हिंदूवादी नेताओं के विरोध जताने के बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही विभागीय जाँच के आदेश दिए गए। बता दें कि ये मामला मेरठ के वैदवाड़ा स्थित प्राइमरी स्कूल का है। स्कूल में 20 छात्र पढ़ते हैं। सोमवार को इनमें से 6 छात्री आए थे, जिनमें 2 हिंदू थे। आरोप है कि हेडमास्टर ने 2 छात्रों से होटल से मांसाहार मंगवाया और मिड डे मील के साथ छात्रों को उसे खिलवाया। स्कूल में बुढ़ाना गेट जत्तीवाड़ा निवासी मानसिक रूप से दिव्यांग और उसका बड़ा भाई भी पढ़ते हैं। बड़े भाई ने आरोप लगाया कि उसने मांस खाने से मना कर दिया, लेकिन उसके दिव्यांग भाई ने जानकारी न होने पर उसे खा लिया। घर आने पर उसने परिजनों को ये बात बताई, जिसके बाद स्कूल से लेकर थाने तक हंगामा हुआ। वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि देववाड़ा प्राइमरी स्कूल में आज 6 बच्चे आए हुए थे। इस दौरान अध्यापक मोहम्मद इकबाल ने बच्चों को खाने में मीट खिलाने के कृत्य किया गया है। इसमें 5 बच्चों ने खाना खाया था, 1 बच्चा दिव्यांग था और उसने भी मांस खाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से स्कूल अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैम, एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे को मीट का खाना खिलाया गया, किस तरह की कार्यवाही है, क्या पूरा? ये जो मामला है, प्राइमरी स्कूल वेदवाड़ा का है। यहाँ पे एक ही टीचर है, मोहम्मद इकबाल टीचर है, एकल अध्यापक हैं। स्कूल में 20 बच्चे पंजीकृत हैं और आज 1:30 बजे मेरे पास स्थानीय पार्षद का फोन आया था। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि इस तरह का कुछ मामला संज्ञान में आया है। तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा गया, प्रकरण की जांच कराई गई और उसमें ये पाया गया कि आज 20 बच्चों के सापेक्ष 6 बच्चे स्कूल में उपस्थित थे और 6 में से 5 बच्चों ने मीट खाया। उसमें से 1 बच्चा जो दिव्यांग था उसने भी मीट खाया। तो क्योंकि इस तरह की कार्यवाही, इस तरह का कृत्य टीचर के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमारे स्कूलों में मिड डे मील आता है, वही सब बच्चों को खाना होता है और इसलिए टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो भी कार्रवाई की जाएगी, जांच के बाद जो कुछ होगा। ये प्रथम दृष्टया यही मैं कार्रवाई कर सकती थी सस्पेंड करने की, वो मैं कर चुकी हूँ। आगे जो भी जांच होगी, जांच में जो भी आएगा, आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच में प्रथम दृष्टया छात्रों से मांस मंगवाने और खिलाने की जानकारी मिलने पर हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।